बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टैक्सेशन मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड 3623 है, इसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके मार्क्स 10 हैं और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो उसके जो ब्रेकअप हुआ है वो 2, पहले पार्ट का 2 मार्क्स हैं और 2 और 3 के 1-1, और जो लास्ट है उसके 6 मार्क्स हैं। Answer the following questions. Which one of the following scenario is an example of tax avoidance and why? Mr. Adil during the year earned a taxable income of ₹900,000 and got ₹165,000 exempted in accordance to the taxation laws. Now, in part B of part 1, Mr. Asim during the year earned ₹1.5 million as taxable income. He did not declare the income receipt worth ₹500,000 during the year from the sales proceeds in his tax return. सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, फिर उसका हम आंसर देंगे टर्न बाय टर्न। MS Shams Limited closes its accounting year on September 30 each year, determine its tax years for the income year starting on October 1, 2021 and ending on September 30, 2022. आपने इसमें टैक्स ईयर्स का बताना है। आपके बैन जो बोथ आर वर्किंग इन अ लोकल कंपनी, ईच अर्निंग अ मंथली बेसिक सैलरी ऑफ ₹1,000 फॉर द ईयर 2020, देयर एम्प्लॉय डिडक्टेड इनकम टैक्स एट 4% ऑफ देयर इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023, देयर सैलरीज गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 7% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। जो 7% है वो आकिब से और 90% इंक्रीमेंट है वो रजे से रिलेटेड है। दिस टाइम द कंपनी विल डिडक्ट टैक्स एट 5%। आइडेंटिफाई द टैक्स स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द कंपनी, कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, आपने जस्ट उसका नाम बताना जिस स्ट्रक्चर को वो फॉलो कर रही होंगे। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर आमिर इफ ही इज अ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर 2023। एक मिस्टर आमिर है, वो उसके आपको एक कुछ पर्टिकुलर दिए गए हैं, आपने उसकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करनी है। टू सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन आपने कंसिडर करना है वो रेजिडेंट है, सेकंड सिचुएशन में आपने कंसिडर करना है तो वो नॉन रेजिडेंट है। मंथली बेसिक सैलरी उसकी दी है ₹400,000, इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड लेट और फॉर स्टोरिंग वीट क्रॉप ₹400,000, रेमिटेंस रिसीव इन इंग्लैंड ₹600,000, मंथली मेडिकल अलाउंस ₹500,000। तो चलें, जो पहले तीन पार्ट है उसका आंसर हम यहीं देते हैं, अब उसको नोट कर लीजिएगा। फोर्थ के लिए हम एक्सेल शीट पे मैं जाऊंगा जहां मैंने इसको सॉल्यूशन दिया। तो पहला क्वेश्चन था कि आपने इसके जो दो पार्ट में से आपने वो पार्ट मेंशन करना है जिसमें टैक्स अवॉइडेंस हुई है, उसकी रीजन दी है। जो मिस्टर आसम है वो टैक्स अवॉइडेंस का रहा है, ये इसकी एग्जाम्पल है। क्यों? उनके वो जो अपनी ₹500,000 की इनकम है, जो उसको सेल प्रोसीड से मिले, उसने उसको टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया है। MS जो दूसरा पार्ट है, कह रहे हैं जी उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो सितंबर क्लोज होता है 30 सितंबर एवरी ईयर। तो जो अब उसका हमने टैक्स ईयर डिटर्मिन करना है, जो स्टार्ट हो रहा है October 1, 2021 से September 30, 2022, तो जो इसका टैक्स ईयर है वो 2022 है। थर्ड में आते हैं कि आकब एंड रजब के बात की थी, तो आकब एंड रजब जो के हैं वो एक लोकल कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी बेसिक सैलरी है फॉर ईयर 2022 वो सेम है 100,000। तो जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है एट द एंड ऑफ द ईयर, या जब वो सैलरी देते हैं ऑन द स्पॉट, क्या कहते हैं एट द सोर्स, जिसको भी हम कहते हैं, 4% के हिसाब से उनकी डिडक्शन कर देता है, यानी 4,000 हर महीने वो उसकी डिडक्शन करता रहता है। लेकिन इन ईयर 2022-23 उनकी जो सैलरी है उनमें इंक्रीमेंट होता है 7%, 9% का। तो इसमें हमने बताना है जो कंपनी है वो कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। तो ये NPR स्ट्रक्चर फॉलो करे, जिसका रादर देन नॉर्मल टैक्स regime। चौथे पार्ट के लिए हम अपने एक्सेल की शीट पे जाते हैं। अब हमारे पास पहला क्या है, रेजिडेंट है। मैं फिर चेक कर रही हूँ, पहला रेजिडेंट है। हाँ जी, पहला रेजिडेंट है। तो हम पहले रेजिडेंट की तरफ आते हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि
ही देख सकें, थोड़ा सा और रीड आउट करते हैं। हाँ जी, आई होप सिस्टम इट इज विजिबल टू यू। रेजिडेंट टैक्स ये हमारे पास 2023 है, पर्टिकुलर मंथली सैलरी है तो रेजिडेंट है तो डेफिनेटली इसमें एक्सेम्पशन नहीं होगी। तो उसकी क्योंकि हम जो सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं आफ्टर वन ईयर फाइल करते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, आफ्टर वन ईयर ही हम इसकी सैलरी को, अगर तो उसका एम्प्लॉयर एट सोर्स डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये भी आप सपोज कर रहे हैं, अगर डिटेक्ट कर रहा है तो फिर उसको एंड में जाकर एडजस्टमेंट होगी। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं और एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय इटसेल्फ अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म हो जाता है। तो मंथली सैलरी उसकी 400 है, तो ग्रॉस इनकम फॉर द वन ईयर मीन 12 मंथ 4.8 मिलियन यानी 48 लाख रुपीज। तो टैक्स एबल इनकम इसकी टोटल एज इट इज इधर आएगी। तो ये वाली जो टैक्स ब्रैकेट इनकम है ये आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, चलें इसको मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, पूरी की पूरी जो उसकी मंथली सैलरी है बेसिक मंथली सैलरी जो है वो एज इट इज हमने टैक्सेबल इनकम के रख दी। फिर हमारे पास इनकम रिसीव फ्रॉम लैंडलॉर्ड और फॉर स्टोरिंग वीट क्रॉप, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो मेरे हिसाब से अगर कोई इसमें करेक्शन करना चाहता है या इसमें कोई एडिशन करना चाहता है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके, ये गाइडेंस है। सेक्शन 15 ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है ये डिस्क्रिप्शन, ये जो टास्क है तो 400 है, तो इसमें हमारे पास एग्जम्पशन नील है। लेकिन इसमें जो स्लैब इस्तेमाल हो रही है 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग ₹300 जो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की स्लैब है उसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 300 तक तो हमें एग्जेम्प्ट है, लेकिन 100 हमारे पास ज़्यादा है तो वो 5% 100 पे 5000 हमारे पास आ जाएगी। रेमिटेंस वैसे ही चाहे वो बाहर से हमारे मुल्क में आ रही हो तब भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये वो इंग्लैंड में रिसीव कर रहा है तो ये से कोई लिंक ही नहीं बनता इसके साथ, तो इसलिए मैंने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जीरो। अब मेडिकल अलाउंस है तो मैंने इसको क्या किया 10% के हिसाब से किया एज पर जोधपुर क्लास 139 पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केजुअल, तो ये मंथली है तो इसको मैंने ग्रॉस वन ईयर में कन्वर्ट किया तो 600,000 आ गया, तो इसका 10% दिया तो 60,000 उन सालों का ऐड किया तो मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम आई है वो 4.865 मिलियन आई है। तो अगर आप इस पे टैक्स निकालना चाहे तो आपके पास इसका टैक्स निकलेगा। ये मैंने क्या किया 36 से ऊपर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैंने 48 लिखा था, अब मैं लिखता हूँ 1 - लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ गई। तो हमारे पास टैक्सेबल जो टैक्स हम डिडक्ट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी जिसको मैं कह रहा हूँ, अब ये होगी प्लस दिस वन, दिस इज अ टैक्स लाइबिलिटी 721,215 केस ऑफ रेजिडेंट केस। नॉन रेजिडेंट केस में मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि वो जो हमारे पास पर्सन है, क्या नाम है पर्सन का, मिस्टर आमिर, मिस्टर जो आमिर है वो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि वो अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो बाहर से अर्न कर रहा है, तो वो जब बाहर से अर्न कर रहा है तो उसको एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन जो वो इनकम रिसीव कर रहा है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से, पाकिस्तान की टेरिटरी से, वो आपकी टैक्स इनकम में शामिल होगी, तो वही है, उसको 5000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5000 कह रहे हैं 5% से एक्सेस ऑफ 400,000-300,000 रेमिटेंस ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होते हैं, तो मेडिकल अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप सपोज करते हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा कि वो मिस्टर आमिर वो है तो अब्रॉड काम कर रहा है, लेकिन वो कैसी कंपनी में काम कर रहा है जिसके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, पाकिस्तान में, तो आप इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे 4.8 मिलियन को, इसको भी लिखेंगे, इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और मेडिकल अलाउंस भी 10% लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिचुएशन समझ में आया होगा। अगर कोई आप किसी ने क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कशन
करना चाहे तो कर सकते हैं, जस्ट अ गाइडलाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।